भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आज अजमेर के जिला व सत्र न्यायालय परिसर में परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अदालत परिसर में स्थित न्याय ईश्वर महादेव मंदिर में महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। जिला व सत्र न्यायालय न्यायाधीश मदन लाल भाटी के नेतृत्व में इस अवसर पर सैकड़ों परिंडों और पौधों का भी वितरण किया गया, ताकि पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सके और गर्मी के इस दौर में परिंदों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। ये हमारे कोर्ट में जो 1200 सदन हैं उनकी ओर से अधिवक्ता गण हैं, जिन्होंने परशुराम जयंती के लिए आयोजन किया, आरती का आयोजन किया, महाआरती हुई है और सभी है जो उन लोगों ने आराम से भाग लिया है। सारे जुडिशल अफसर है, जजेज है और वकील है, सब ने जो परशुराम जयंती में नहीं है बहुत अच्छे से धूमधाम से और आरती का आयोजन हुआ है। आज जो है न्यायालय प्रांगण के न्यायेश्वर मंदिर के अंदर भगवान परशुराम जी की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सारे न्यायिक अधिकारीगण, सारे अधिवक्तागण, सारे न्यायिक कर्मचारीगण व कोर्ट में उपस्थित सारे पक्षकारों ने इस महाआरती में आनंद लिया और ठंडाई का प्रसाद वितरण किया गया। इसके साथ ही विशेष कार्यक्रम ये रहा कि पक्षियों के लिए सैकड़ों की तादाद के अंदर परिंडे वितरित किए गए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बारिश आने वाली है, उसके लिए हरियाली रखने के लिए पेड़ पौधों का वितरण किया गया, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मदनलाल भाटी जी द्वारा अपने हाथों से सभी को दिए गए। उसके अलावा सबसे बड़ा आयोजन ये रहा कि हमने एक इस मंच के माध्यम से सभी को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि जो हमारी कानून की किताबें हैं वही हमारा शास्त्र है और जो हमारी कलम जो है वो हमारा शस्त्र है। कानून की किताब जो हमारे शास्त्र है और कलम जो हमारी ताकत है, उससे पूरे हम समाज का भला कर सकते हैं। आज जो परशुराम जयंती मनाई गई उसमें सभी समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से भगवान परशुराम को सभी का भगवान मानते हुए उक्त जयंती हर्षोल्लास से मनाई।